बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज कल मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने अलीबाबा से पैसे कमाने हैं पाकिस्तान में रहते हुए। तो आज के वीडियो में आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोग उससे बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं अलीबाबा से। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऊपर मिल सके। तो चलते अब वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब आप लोगों ने क्या काम कर देना होगा कि अलीबाबा ऐप्स को या वेबसाइट को अपने अकाउंट क्रिएट कर देना होगा। आप लोग ऐप्स को डाउनलोड करें यानी कि ऐप को, तो वो भी ठीक है। उसके बाद जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसके बाद आप लोगों ने बायर अकाउंट को सेलेक्ट कर देना है। तो अलीबाबा से आप लोगों ने एक चीज़ मंगवानी होगी। जब आप लोग एक चीज़ को मंगवाओगे अलीबाबा से तो उसके बाद जब आपको रिसीव हो जाएगा तो अब आप लोगों ने क्या काम कर देना है वो सब कुछ आप लोग को अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या काम आपको करते रहें। जब आप लोगों को वो चीज़ रिसीव होगा इसके बाद आप लोगों ने OLX पर अकाउंट क्रिएट कर देना होगा पाकिस्तान में। तो OLX पर जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे दोस्तों, तो अलीबाबा से आप लोगों को वो चीज़ 50 रुपये में मिल चुका होगा। तो आप लोग OLX पर उस 50 रुपये से ज़्यादा भी उसको सेल कर सकते हैं, यानी कि अपना प्रॉफिट उसमें हासिल कर सकते हैं OLX पर। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। आप लोग अलीबाबा से चीज़ मंगवाएं, वो जब आपको रिसीव होगा और उसके बाद आप लोग OLX पर सेल कर दें। अब जो दोस्तों दूसरे नंबर पर जो ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों ने अलीबाबा तो पहले से डाउनलोड किया होगा और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने धराज को डाउनलोड कर देना है। जब आप लोग धराज ऐप को डाउनलोड करोगे तो उसमें आप लोगों ने सेलर अकाउंट क्रिएट कर देना होगा धराज पे। अलीबाबा में बायर अकाउंट और दराज में सेलर अकाउंट। इसके बाद अलीबाबा से जो चीज़ आप लोगों ने ये मंगवाया था तो वो आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ठीक है, कर नहीं तो फिर एक नया चीज़ आप लोगों ने, वो तो नया होगा, तो आप लोगों ने दराज से यानी कि दराज पे उसका रिव्यू सब कुछ देना है और अपना खुद का प्राइस उसमें देना है। तो जितनी आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, अब बुरी बात है, लेकिन आप लोगों ने बस थोड़ा सा उससे थोड़ा आगे प्राइस यानी कि अपना रख देना है। तो फिर आप लोग दराज पे उस पर सेल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ऑर्डर मिलेंगे दराज में। तो दोस्तों, ये दो तरीके थे जो मैंने आप लोगों को बताए कि आप लोगों ने अलीबाबा से इस तरह पैसे कमाए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन एन से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और नीचे खूबसूरत सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।